प्रधानमंत्री मोदी अपने खास अंदाज, अपनी संबोधन शैली के साथ साथ अपने स्टाइल के लिए भी खूब चर्चाओं में रहते हैं। अपनी ड्रेसिंग सेंस और अपनी लुक्स के लिए भी ये चर्चाओं में रहते आए हैं। गुजरात चुनाव के दौरान वे जब गांधीनगर में मां से मिलने के लिए पहुंचे तो उस दौरान वे एक शॉल ओढ़े हुए दिखाई दिए। अब आप कहेंगे कि इस शॉल में ऐसा क्या खास है, अब इसमें खास हो या ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की ये शॉल विरोधी दल कांग्रेस के नेताओं की नजरों में चढ़ गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो बाकायदा पीएम की इस शॉल को लेकर तरह तरह के कमेंट्स करने भी शुरू कर दिए हैं। एबीपी न्यूज के अखिलेश तिवारी ने भी इसे लेकर एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में वे लिखते हैं, अब मोदी जी ने जो शॉल ओढ़ी है उसको लेकर बेवजह का लोग कमेंट कर रहे हैं। इस शॉल की कीमत सिर्फ $1,650 बताई जा रही है, जो भारतीय रुपए के मुताबिक केवल 1,35,300 रुपए हो रही है। अगर GST अलग से इंक्लूड हो तो 28% और बढ़ जाएगा। विरोधियों को कौन समझाए कि पहनावे से ही पहचान होती है। उनके इस व्यंगपूर्ण कमेंट के साथ साथ कांग्रेस नेता नितिन अग्रवाल ने लिखा कि वाह क्या सीन है। ट्विटर पर इसे लेकर नैनी संदीप रेड्डी TRS ने लिखा है, मोदी जी खुद को फकीर कहते हैं, एक फकीर जो $1,650 यानी 1,35,000 रुपए की पश्मीना शॉल पहनता है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की जिस शॉल को लेकर सोशल मीडिया में इस तरह की बातें चल रही हैं, वही शॉल उन्होंने उस वक्त भी पहनी थी जब उन्होंने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। इसे लेकर प्रभात साक्षी ने एक खबर प्रकाशित की थी जिसमें ये बताया गया था कि पीएम मोदी की ये शॉल 6 महीने में बनकर तैयार हुई है। उस रिपोर्ट में पीएम मोदी के शॉल की कीमत 1,25,000 रुपए बताई गई थी, यानी उस रिपोर्ट में बताई गई शॉल की कीमत और अब सोशल मीडिया में जो कीमत होने के दावे किए जा रहे हैं उसमें कोई समानता नहीं है। ऐसे में इसकी कीमत की कोई औपचारिक जानकारी नहीं है, ऐसे में हम भी इसकी असल कीमत की पुष्टि नहीं कर रहे। वैसे आपको बताते चलें कि अभी कुछ समय पहले ही राहुल गांधी भी अपनी कथित महंगी टी शर्ट को लेकर खूब चर्चाओं में रह चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत में ही वे अपनी टी शर्ट को लेकर तब चर्चाओं में आ गए थे जब कुछ लोगों की ओर से ये दावा किया जाने लगा था कि उन्होंने जो टी शर्ट पहनी है उसकी कीमत 41,257 रुपए है। उस समय कुछ बीजेपी नेताओं की ओर से ऐसा दावा किया गया था कि जो टी शर्ट राहुल गांधी ने पहनी थी वो बर्बरी ब्रांड की थी जिसकी कीमत 41,257 रुपए के आसपास है। देखो भारत के कैप्शन के साथ शेयर की गई तस्वीर पर कांग्रेस नेताओं की ओर से भी जमकर पलटवार किया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।